अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गर्ल्स जॉब रिक्वायरमेंट में। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं कोई जॉब के रिलेटेड या कोई वैकेंसी के रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मॉल लेटर के बारे में। दोस्तों हम लोग मॉल लेटर को कैसे चेक कर सकते हैं, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा। दोस्तों इंडिया में बहुत सी कंसल्टेंसी है जो गल्फ कंट्री भेजने का काम करती है, मगर जो हम लोग गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं तो हम लोग को इंटरव्यू होता है या फिर सीवी सिलेक्शन होता है, उसके बाद हम लोग को जॉब ऑफर लेटर कंपनी से द्वारा भेजा जाता है। उसमें हम लोग को दिया होता है कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी देर का ड्यूटी करना पड़ेगा और कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी पर डिटेल दिया होता है। लेकिन वो ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक है, क्योंकि अभी धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे पता लगा सकेंगे ऑफर लेटर आपका जेन्युइन है या फिर सही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी आपके सिलेक्शन करने के बाद आपका वीज़ा अप्लाई के लिए देता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को। आपका वीज़ा इशू करने से पहले कंपनी और आपके बीच एक एग्रीमेंट तैयार करती है, जिसमें कंपनी को बताना पड़ता है कि कंपनी आपको कितना सैलरी दे रहा है और क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, जिसे हम लोग मॉल लेटर भी कहते हैं। मॉल लेटर 5 से 6 पेज का होता है और ये मॉल लेटर आपको कंसल्टेंसी के पास जाता है और कंसल्टेंसी आपको सिर्फ लास्ट पेज भेजता है, जिसमें आपको सिग्नेचर और थंब करके भेजना पड़ता है। तो उसमें उस पेज में एक एसटी नंबर दिया होता है, उसी एसटी नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसी एसटी नंबर से हम लोग कैसे मॉल लेटर को चेक कर सकते हैं आपको मैं यही बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं उस साइट पे हम लोग यहाँ पे टाइप करना है ई सर्विस मॉल। उसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जो आरबी में लिखा है उस पर हम लोग क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू माई कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा है ट्रांजेक्शन नंबर, तो उसमें आपको एसटी नंबर डालना होता है। दोस्तों मेरे पास एसटी नंबर है, वो मैं उसमें डाल देता हूँ। तो एसटी नंबर और ये सब कुछ इसमें डालने के बाद दोस्तों उसके बाद नीचे आपको डालना पड़ता है या पासपोर्ट नंबर। तो दोस्तों चलिए मैं पासपोर्ट नंबर भी डाल देता हूँ। और पासपोर्ट नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे एक और ऑप्शन आता है कैप्चा का। तो दोस्तों आपको एसटी नंबर भी डाल देना है फर्स्ट में, उसके बाद आपको डालना है पासपोर्ट नंबर। अब पासपोर्ट नंबर के डालने के पूरे डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है कैप्चा। तो आप क्या करना है दोस्तों, आप कैप्चा को आपको फिलअप कर देना है। जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वो कैप्चा भी यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। तो दोस्तों अब जैसे ही इसमें आप सबमिट करते हैं, यदि आपका ये जॉब लेटर ऑफर जो आया हुआ यदि अब जेन्युइन है तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, नहीं तो अगर ये फ्रॉड कोई होगा तो ये सिंपली आपको एरर बता देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन अब मॉल लेटर को आप चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं आपका जो मॉल लेटर कंपनी द्वारा भेजा गया है ये जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो ये दोस्तों बहुत आसानी से इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।